हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पकोड़ा रेसिपी। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमें रेसिपीज चाहिए। चिकन पकोड़े के लिए सबसे पहले हम अपने चिकन को अच्छे से धो के एक बाउल में रख देंगे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है 1 कप बेसन, लाल मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, कस्तूरी मेथी, मैदा, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, नींबू का रस, 1 से 2 कटे हुए प्याज, 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, नमक, हल्दी। सबसे पहले हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 2 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 कटोरी बेसन, 1 से 2 चम्मच टमाटर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब प्याज मिला दें और इसको मिक्स कर लें। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम पैन या कढ़ाई में तेल डाल के इसको गर्म कर लेंगे। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस डालेंगे। हमारा चिकन एक साइड से फ्राई हो चुका है, अब हम उसको दूसरी साइड से पलट देंगे। हमें अपने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक कि लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, मेरा चिकन पूरा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे साइड में निकाल लूँगी। देखिए, हमारा चिकन पकौड़ा बनके रेडी हो चुका है। आप भी इसको एक बार खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।